नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम कार्यक्रम में शिरकत की। इसमें सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों ने अपने सरकारी आवास पर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कनाडा, हंगरी, इंडोनेशिया, जापान, लिथुआनिया से आए हुए यंग लीडर्स का उत्तर प्रदेश सरकार और नागरिकों की ओर से अभिनंदन भी किया। भारत अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारा देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें भारत के अंदर गहराई से जुड़ी हुई हैं। आगे कहा कि यंग लीडर्स लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए मिलकर कार्य करेंगे तो न केवल अपने देश का बल्कि दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएंगे। भारत के प्राचीन ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम के साथ दुनिया के सभी देश मिलकर काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के इन देशों ने लोकतंत्र को किसी न किसी रूप में अंगीकार किया है, जो दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से आ रही है। अमेठी से आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 11 बजे पहुंचेंगी अपने नवनिर्मित आवास, खिचड़ी भोज कार्यक्रम में होंगी शामिल। नवनिर्मित आवास पर कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में लोग भी होंगे शामिल। आज अमेठी दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 11 बजे पहुंचेंगी अपने नवनिर्मित आवास, खिचड़ी भोज कार्यक्रम में होंगी शामिल। नवनिर्मित आवास पर कार्यक्रम आयोजन, भारी संख्या में लोग भी होंगे शामिल। आज अमेठी दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 11 बजे पहुंचेंगी अपने नवनिर्मित आवास, खिचड़ी भोज कार्यक्रम में होंगी शामिल। नवनिर्मित आवास पर कार्यक्रम आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में लोग भी होंगे शामिल। आज अमेठी दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 11 बजे पहुंचेंगी अपने नवनिर्मित आवास, खिचड़ी भोज कार्यक्रम में होंगी शामिल। नवनिर्मित आवास पर कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में लोग भी होंगे शामिल। तस्वीरों में आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देख सकते हैं, जो अमेठी से सांसद हैं और आज वो अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी और अपने नवनिर्मित आवास पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पर खिचड़ी भोज का कार्यक्रम होगा और इस दौरान लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह पीएफ की रकम निजी संस्थान में लगाए जाने पर यूपी में कार्रवाई हुई है, उसी तरीके से जनता का पैसा डुबोने वाले एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा जब यूपी में जेल भेज सकती है तो उन्हें क्यों नहीं भेज रही। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर भी अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये कल हमें तुम्हें भी अमृत नाम दे सकते हैं, कन्नौज की योजनाओं का भी नाम बदल दो, लेकिन काम तो करो। मंदिर न जाने के मामले पर कहा कि बीजेपी किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। इस दौरान अखिलेश ने ठठियाकट पर जम्मू में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता दी और मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। मुझे समाजवादी पार्टी के हमारे सभी संगठन के लोगों ने समय समय पर ये जानकारी यहाँ पर इस तरह मजदूर परिवार के साथ अन्याय हुआ है। जो मजदूर कश्मीर में काम करते थे उनकी जान गई, उन परिवारों की मदद और होनी चाहिए। ये परिवार सरकार के प्रतिनिधि उनके पास भी गए,
जहां वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे पहुंचाने की कोशिश की। वहीं अमरोहा जिले में अमरोहा में आज स्नातक चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए रविवार को पोलिंग पार्टियों ने कलेक्ट्रेट से बूथों के लिए रवाना हुई और मतदान के लिए 26 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 22,797 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सेक्टर बांटकर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पुलिस फोर्स की भी पर्याप्त तैनाती की गई है। पूरी तैयारी कर ली गई है और 26 मतदेय स्थल है जनपद में और 7 लोकेशन पे मतदेय स्थल है। ये हमारी सभी पार्टी आ गई है और उन्हें सामग्री प्राप्त कर लिया है, वो मिलान कर रहे हैं और अभिलेखों का मिलान करने बाद आधे घंटे में प्रस्थान करना शुरू कर देंगे वो। और सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सेक्टर बना रखे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात कर रखे हैं और निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। पुलिस फोर्स की प्रॉपर व्यवस्था है, सुपर मजिस्ट्रेट भी लगा रखे हैं और आप जानते हैं कि मतदान का समय प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक है तो उसका पालन करते हुए। वहीं स्नातक क्षेत्र के 3 और शिक्षा क्षेत्र की 2 सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहे हैं। वहीं मतदान को लेकर रविवार को संबंधित जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। आपको बता दें कि शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया और निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने की पूरी तैयारी संबंधित जिलों के डीएम की समीक्षा के साथ की। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की पहचान के लिए भी विकल्प तय कर दिए गए थे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। महंत राजू दास का बड़ा बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिया बयान, मौर्य का सिर कलम करने वाले को इनाम। सिर कलम करने वाले को मिलेगा 21 लाख का इनाम। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौर्य का सिर कलम करने वाले को इनाम, सिर कलम करने वाले को मिलेगा 21 लाख का इनाम। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास। महंत राजू दास का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिया बयान, मौर्य का सिर कलम करने वाले को देंगे 21 लाख रुपए का इनाम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरित मानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरित मानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया, इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरित मानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों पर कार्रवाई करेगा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, आदिवासियों पिछड़ों के हक की बात कही, महिला दलितों पिछड़ों के सम्मान की बात कही, संतों महंतों का असली चेहरा आया सामने, सिर नाक और कान काटने पर उतर आए हैं, कहावत सही है, मुंह में राम बगल में छुरी, धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट लखनऊ से सामने आया है। आदिवासियों पिछड़ों के हक की बात कही, कहावत सही है, मुंह में राम बगल में छुरी, धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी, सिर नाक और कान काटने पर उतर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा है, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कही, मानो भूचाल आ गया, एक एक करके संतों महंतों धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा, सिर नाक कान काटने पर उतर आए, कहावत सही है, मुंह में राम बगल में छुरी, धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, ट्वीट को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके के शहीद नगर के रहने वाले धर्म सिंह की बेटी नाव्या को 24 जनवरी को स्कूल से घर जाते वक्त पिटबुल ने हमला कर दिया था। मासूम बच्ची का कान काटकर कुत्ते ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके बाद परिजन मासूम को इलाज कराने के लिए मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां मासूम की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। उसके बाद देर रात पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कुत्ते की मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 289 और 325 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं कुत्ते के मालिक अमरजीत ने कुत्ते को भी छिपा दिया है। स्कूली बच्ची को पिटबुल कुत्ते ने काटा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कुत्ते मालिक से, क्या पूरा मामला है? दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था, जो है उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, चल रहा है विवेचना, अभी रात ही मुकदमा लिखा गया, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। उचित धाराएं हैं इसमें? मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी और उसे बीच रास्ते में मतलब ऑटो रुका तो वहां पर एकदम से एक कुत्ता आया और उसको ऑटो में से खींच लिया और उसका मकान मालिक भी पीछे से आया, बट उसने कोई भी बचाने का ज्यादा प्रयास नहीं किया। ऑटो वाला भी साइड से खड़ा था, वो भी डर गया था। और बाकी बाद में मोहल्ले वाले आए, पहले तो उसको झिझोड़ा, अगर वो बचा सकते माँ और बेटे तो दोनों बचा सकते थे। उसके बाद में जब उसको ज्यादा सीरियस हालत हो गई तो उधर से मुसलमान के लड़के और बाकी मोहल्ले वाले आए, तब जाके उसको बचाया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य बने सपा के राष्ट्रीय महासचिव। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का जोरदार हमला। रामचरितमानस के अपमान का पुरस्कार मिला। सपा चाहती है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। सपा जातीय संघर्ष उत्पन्न करना चाहती है। सपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। अखिलेश यादव का जातिवादी चेहरा सामने आया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा जातीय संघर्ष उत्पन्न करना चाहती है। सपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी, यह कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल 62 लोगों को शामिल किया गया है। हाल ही में सपा में शामिल हुए शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं पार्टी ने आजम खान और रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कार्यकारिणी में शामिल किया है। दरअसल पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव, आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं अखिलेश यादव पर एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामगोपाल यादव
राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाए गए हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। सुरेश राही की कार का एक्सीडेंट, हादसे में बाल बाल बचे राज्य मंत्री सुरेश राही। सूचना पर मौके पर पहुंची सहजनवा पुलिस। एसओ सहजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बिठाया। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ से देवरिया जा रहे थे मंत्री सुरेश राही। सहजनवा के पास हुआ सड़क हादसा। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसओ सहजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बिठाया। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां गोरखपुर में राज्य मंत्री सुरेश राही की कार का एक्सीडेंट हो गया है। सुरेश राही लखनऊ से देवरिया जा रहे थे। वहीं बिजनौर के गांव नजरपुर में शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर दो दोस्तों में विवाद हो गया। विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद घर में रखे तमंचे से गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। एसपी देहात श्रीराम अर्ज ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त नृपेंद्र को जेल भेज दिया है। आपने दिनांक 25 तारीख को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मार करके उसका शव नजरपुर में एक व्यक्ति के घर के सामने फेंक दिए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी जाकर के मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक का जो शिनाख्त थी, जो है पहचान हुई, उसका नाम विशाल उर्फ गोलू निवासी अलावलपुर का रहने वाला था, जो नजरपुर के बगल में उसका गांव है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। अध्यापकों की क्रूरता इस सामने, नाटक देखने गए बच्चे के साथ की क्रूरता। 10 साल के मासूम को पाइप से पीटा, पिटाई से बुरी तरह घायल हुआ छात्र। बच्चे पर अध्यापकों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। थाने में दर्ज कराया बच्चे के खिलाफ मुकदमा। पुलिस जांच में छेड़छाड़ का मामला पाया गया फर्जी। पुलिस ने घायल बच्चे का कराया मेडिकल। अध्यापकों पर होगी कार्रवाई, यह कहना है थाना प्रभारी का। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चे पर अध्यापकों ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का मामला, अध्यापकों पर होगी कार्रवाई, थाना प्रभारी का यह कहना है। नाटक देखने गए बच्चे के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। अध्यापकों की क्रूरता सामने आई है और आपको बता दें कि कन्नौज में बच्चे को, 10 साल के मासूम को अध्यापकों ने पाइप से पीटा है, जिससे उसके पूरे शरीर पर निशान भी देखे जा सकते हैं। आज हम देखने चले गए घर से, मरते चले सीधे। कौन मास्टर? वो भी लगता है। आप क्या करने गए थे वहाँ पे? हम नाटक देखने गए। कब की है ये घटना? 26 जनवरी। अभी तक आप कहाँ रहे? पहले वो आए थे फायर कर रिपोर्ट, फिर हमने उन लोगों की न माने। क्या नाम है तुम्हारो? पिता को नाम? कहाँ ग्राम वाले? ये कहा कि आपको टीसी दे देंगे, फिर वे सत्र नहीं देंगे, भविष्य खराब कर देंगे आपका। प्रबंधक कौन है? प्रबंधक मोबी लगता है। ये स्कूल सरदापुर में? सरदापुर में। वहीं कुशीनगर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कसिया शहर के वार्ड नंबर 13 राम जानकी नगर में चोरों ने बीती रात
एक घर में घुसकर लाखों की चोरी की। चोर लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कुशीनगर की खबर है जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कसिया में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं टीम इंडिया ने लखनऊ में खेले गए T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 फरवरी यानी बुधवार को खेला जाएगा। वहीं टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 99 रन बनाए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा नाबाद 19 रनों की पारी खेली। वहीं माइकल ब्रेसवेल और मार्क चैपमैन ने 14-14 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और वहीं जवाब में भारत ने 1 गेंद बाकी रहते हुए 4 विकेट पर 101 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए। वहीं सूर्या ने ही ब्लेयर टिकनर की गेंद पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।